humanities, and physical education is one of my subjects. So today I want to deliver a presentation about the topic circulatory system, and I hope you all will be attentive in the class. So without wasting your time, I'll just start it. सबसे पहले अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली होता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स आते हैं, जिनमें आर्टरीज होती है, वेन्स एंड कैपिलरीज होती है, एंड दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू द बॉडी। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, हमारी बॉडी में जो पूरा ब्लड फैल जाता है हर एक सेल तक, वो ये पहुंचाता है थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। ये ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करता है, ठीक है। जिस वजह से हमारे सेल्स परफॉर्मेंस दिखाते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाते हैं, एंड ये हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको ये रिमूव करता है। जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है होमियोस्टेसिस में। होमियोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस एक प्रोसेस होता है जो इंसान अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए करता है, ठीक है ना। यानी जो हार्ट है, ये इनवॉलंटरी फंक्शन करता है, ठीक है। एंड दिस सिस्टम इज ड्राइवन बाय हार्ट, ठीक है। जैसे गाड़ी के लिए हमें ड्राइवर की जरूरत होती है, तभी जो गाड़ी है वो चल सकती है। इसी तरह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको ड्राइव कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट के बगैर इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड जो हार्ट है, ये मेनली क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, और पूरे ब्लड को हमारी बॉडी में पहुंचाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके मेन कॉम्पोनेंट्स की, तो वो होता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में आती है तीन तरीके की वेसल्स। एक तो कैपिलरीज होती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है। सबसे पहले अगर हम हार्ट की बात करेंगे, तो हार्ट जो होता है, हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। राइट वाले जो ऊपर वाले दो होते हैं, आर्टरियम बोला जाता है, एंड जो लेफ्ट वाले नीचे वाले दो होते हैं, उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। जो हमारा राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, उसको पंप करता है, ठीक है, एंड भेजता है लंग्स की तरफ, ताकि वो ऑक्सीजनेट हो जाए। एंड जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन होता है हार्ट का, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ताकि जो हमारा ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाए, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसके मेन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो वो है पंपिंग ऑफ ब्लड। सबसे पहले जो हमारा हार्ट एक मेन फंक्शन करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है। ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप करता है, जो हमारे पूरी बॉडी में, हमारे टिश्यू, हर एक सेल तक पहुंच जाता है थ्रू आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पंप करता है लंग्स की तरफ, ठीक है, थ्रू पल्मोनरी वेन एंड आर्टरी। तो ये वहां जाता है, वहां पर ऑक्सीजनेट हो जाता है, इसको ऑक्सीजन मिलता है वहां पर। दूसरी फंक्शन इसका, इसकी जो दूसरी फंक्शन है, वो है मेंटेनिंग सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी कि हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट्स एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे अंदर, उनकी सर्कुलेशन होती है। यानी कि क्या होता है, हमारा ब्लड जो हमारी सेल तक पहुंच जाता है, तो हमारे सेल के पास कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, वो इस ब्लड को देते हैं। ब्लड उन्हें देता है ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन एंड ये न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो अपने आपको अपना फंक्शन जो होते हैं उनके परफॉर्म कर सके। एंड इसी तरह की जो सर्कुलेशन होती है, ये न्यूट्रिएंट्स एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स के बीच में ये चलती रहती है थ्रू दिस हार्ट। इसके बाद क्या होता है, ये रेगुलेट करता है हमारा ब्लड प्रेशर। जो हमारा हार्ट है, हमारे अंदर एफिशिएंट ब्लड को पंप करता है, जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जितना हमारी सेल्स को चाहिए होता है, उतना जो हमारा ब्लड है उसको क्या करता है, पंप करता है। एंड ये हमारे अंदर जो हमारे हार्ट के अंदर जो रेगुलेशन वाली रेट है, ये उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद ये मेन फंक्शन करता है, ये हमारे ऑक्सीजनेटेड एंटीऑक्सीडेंट ब्लड को क्या करता है, सेपरेट करता है, ताकि ये मिले ना। तो ये इसके मेन फंक्शन थे हार्ट के, हम इसलिए ये पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें पढ़ना है इफेक्ट्स। तो इसके लिए हमें जरूरी जानना है कि जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये किन किन चीज से बना है, इनके क्या फंक्शन, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो सारे जो मतलब जिसका जो जितना भी इफेक्ट होता है हमारे एक्सरसाइज का, वो इन्हीं पार्ट पर पड़ता है। इसके बाद वर्ड्स ब्लड, अगर हम ऐसे ब्लड ड्रॉप देंगे, तो हमें लगता है कि ये एक ही चीज का बना होता है, बट इट्स नॉट होमोजीनियस लिक्विड, ये होता है हेटेरोजीनियस लिक्विड। इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं। एंड मेन अगर हम देखेंगे इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो हमारा ब्लड जो होता है, बेसिकली यही हमारे हर एक न्यूट्रिएंट को, हमारे ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक पहुंचाता है बाय द हेल्प ऑफ दीज नोड्स, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, हमने अभी देखा कि ब्लड वेसल तीन तरीके की होती है। कैपिलरीज, कैपिलरीज जो होती है, ये क्या करती है, फैसिलिटेट करती है एक्सचेंज में, कि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारे अंदर, ये जो होता है, ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है। यानी कि हमारा जो ब्लड है, उसके वो ऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें होता है ऑक्सीजन, उसमें होता है न्यूट्रिएंट्स, ये उस सेल को देते हैं जहां पर पहुंचता है। एंड जो सेल होती है, ये इसको रिटर्न में देती है वेस्ट प्रोडक्ट। ये कैपिलरीज कैसी होती है, यहाँ पर ये ऐसी होती है, जो बीच वाला जंक्शन होता है, ये कैपिलरीज का होता है। एंड ये ऐसे ही दिखाया गया है, लेकिन यहाँ वहां पर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं एंड बहुत सारे सेल्स भी होते हैं, कैपिलरीज ऐसी होती है। इसके बाद आती है वेन्स, जो वेन्स होती है, ये रिटर्न यानी कि ब्लड को लाती है, यानी कि टुवर्ड्स द ब्लड लाती है, हार्ट की तरफ ब्लड को लाती है। हमारे
veins ke through hamare heart mein aa jata hai. Theek hai, it carries deoxygenated blood back to the heart except pulmonary vein. Sirf pulmonary vein aisi hai jo oxygenated blood ko carry karti hai. Baaki jitni bhi veins hamari body mein hai wo deoxygenated blood ko carry karti hai. Iske alawa jo hamare veins inme valves lage hote hain, theek hai, jaise dhadkan hota hai वैसे हमें वॉल्व लगे हुए होते हैं ताकि ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को बचा सके. ठीक है, अगर हमारा जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो वापस सेल में चला गया तो डैमेज हो सकता है या फिर वहां पर कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं. इसलिए वेंस में ये प्रिवेंट मतलब बैक फ्लो रुकाने के लिए वॉल्व लगे हुए होते हैं. इसके अलावा आर्टरी जो होते हैं ये डिलीवर करते हैं ब्लड हर एक सेल हर एक टिश्यू तक पहुंचाते हैं हमारे ब्लड को न्यूट्रिएंट्स को एंड दीज ऑक्सीजन वगैरह. जो हमारे ऑक्सीजनेटेड जो हमारा ऑक्सीजन ब्लड होता है वो इन आर्टरीज के थ्रू हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है. ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, जो हमारे ब्लड को अगर जो हमारे हमारे अंदर जो मतलब हर एक आर्टरी जो होती है वो मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. लेकिन जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना. वेन्स अक्सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एंड आर्टरीज ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है. लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वेन ऐसी है जो ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है जब वो ये लाती है मतलब लंग से ब्लड को. एंड पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, जो डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है. इसके अलावा जो हमारी ब्लड वेसल्स है ये हमारे हाई प्रेशर को भी मेंटेन रखती है. ठीक है, क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी होती है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है. अगर समटाइम्स हाथ हमारा ज्यादा ब्लड को पंप करता भी है तो ये मेंटेन रखती है उसको मतलब एडजस्ट करती है. ये होती है आर्टरी रेड वाली क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेट ब्लड होता है. ये होती है वेन ब्लू वाली. ठीक, इसके अलावा हाँ ये नोट है, ये मतलब जो आर्टरीज है आर्टरीज हमेशा ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट नहीं जाती है, ब्लड को हार्ट से दूर नहीं जाती है, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच जाती है. एंड वेन एक ऐसी वेन होती है जो हार्ट को जो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लाती है, ये ऑक्सीजनेशन के लिए लाती है ब्लड को. क्योंकि जो हमने तब से पढ़ा वो इसके बारे में था कि हमें समझ आए कि ये क्या है. ठीक है, गुड इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है, क्या अच्छा असर पड़ सकता है. स्ट्रेंथ सबसे पहले क्या करता है, स्ट्रेंथ हार्ट. यानी कि जो हमारा हार्ट अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो हार्ट होता है वो स्ट्रांग बन जाएगा, हमारे हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी, वो इम्प्रूव हो जाएगी. हमारा हार्ट जो है वो अच्छा खासा ब्लड पंप कर पाएगा. जब हमारे हार्ट में अच्छा ब्लड जा पाएगा, जब हमारे हार्ट में अच्छा ब्लड हमारे हार्ट से अच्छा ब्लड पंप होगा तब जो वो हमारे सेल्स है उन तक एफिशियंट सफिशियंट ब्लड पहुंच जाएगा. ठीक है, इसके बाद इम्प्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन. जो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रेगुलेट हो जाएगा, वो इम्प्रूव हो जाएगी. ठीक है, यानी कि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा बेटर फ्लो ऑफ क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा. क्योंकि जितना ज्यादा हमारे अंदर ब्लड फ्लो होगा उतना हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन मिलेगा एंड ऑक्सीजन मिलेगा, उतना हमारे अंदर और भी प्रोसेस अच्छे से होंगी. उसके बाद तीसरे फंक्शन है लोअर ब्लड प्रेशर. ठीक है, जो हम अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ब्लड जो होता है ब्लड प्रेशर वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एंड हमें हाइपरटेंशन का जो रिस्क होता है उससे हम बच जाएंगे. इसके अलावा एनहेंस अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो ब्लड वेसल्स की हेल्थ रहेगी, हमारी ब्लड वेसल्स एनहेंस हो जाएंगी. यानी कि ये फ्लेक्सिबल इनमें फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी आ जाएगी. अगर समटाइम्स हार्ट क्या करेगा, ज्यादा ब्लड पंप करेगा तो क्या होगा, तो जो हमारी वेन्स है आर्टरीज है इनमें इलास्टिसिटी होने की वजह से उस ब्लड पे कंट्रोल कर पाएंगी एंड उसको ये क्या कर पाएंगे मतलब अच्छे से फ्लो कर पाएंगे. इसके बाद बेटर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे अपने आप को ज्यादा बोझ भी नहीं डालेंगे तो हमारे अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एचडीएल बोला जाता है, हमारे अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. एंड हमारे अंदर जो एलडीएल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज. अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे अपने मतलब किसी भी तरह की एक्सरसाइज उससे क्या होगा, उससे जो हमारे हार्ट डिजीज होने का जो खतरा होता है, हार्ट स्ट्रोक अटैक्स वगैरह इन सब होने के कार्डियोवास्कुलर हार्ट के रिलेटेड जितने भी डिजीज है जितने भी इश्यूज होते हैं उनसे बचा जा सकता है, इनसे उनको रिड्यूस किया जा सकता है, उनको रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है. एंड रिड्यूस एंड्यूरेंस इंक्रीज एंड्यूरेंस. ठीक है, अगर हम मतलब कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करते रहेंगे रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है वो इंप्रूव हो जाएगी, हमारे अंदर जो टॉलरेशन है बेयरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी. तो ये है गुड इफेक्ट्स इस खास एक्सरसाइज के. अगर हम करेंगे अब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या गुड इफेक्ट्स आ सकते हैं. एंड ये है बैड इफेक्ट्स. अगर हम ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या क्या बुरा असर पड़ेगा.
सबसे पहले इंक्रीज इन हार्ट स्ट्रेन, हार्ट स्ट्रेन बढ़ जाएगा, ठीक है, हार्ट स्ट्रेन बढ़ जाएगा, यानी कि हमारे अंदर अगर हम ओवर एक्सर्शन करेंगे, अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमारे हार्ट बीट जब तेज, हमारे हार्ट रेट तेज हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा, ये अरहाइथमिया, अरहाइथमिया क्या होता है, ये एक डिजीज होती है, यानी कि हमारे जो हार्ट की जो बीटिंग होती है वो इरेगुलर होती है, यानी कि या तो हमारा हार्ट ज्यादा बीटिंग करने लगेगा या फिर कम बीटिंग करने लगेगा, इसलिए वैसे क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल साइकिल है वो अच्छा नहीं चलेगा एंड हमारे हर एक सेल हर एक टिश्यू इफेक्ट हो जाएगा, बैडली इफेक्ट हो जाएगा। एंड डिहाइड्रेशन, अगर हम ओवर एक्सरसाइज करेंगे और वर्कआउट करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर जो हाइड्रेशन होता है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या होगा, यानी कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या होगा, वाटर लेवल कम हो जाएगी, तो करेगा तो उसमें जो ऑलरेडी मतलब हार्ट की जो डिजीज चल रही है वो क्या होगी, वो मतलब उसमें ज्यादा बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी एंड उसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव फैटिग्यू हो सकता है, यानी कि ओवर ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा, क्रॉनिक फैटिग्यू हो सकता है एंड रिड्यूस, यानी कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, डेली परफॉर्मेंस अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उतना वर्क नहीं कर पाएगा, उसमें उतना ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, अगर हो भी जाएगा ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा तो उस वजह से क्या होगा, हमारे अंदर जो बॉडी वैस्कुलर हेल्थ है वो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा और हमारी जो डेली परफॉर्मेंस है, डेली एक्टिविटीज है वो सफर हो जाएंगी एंड हमारी जो सारी पूरी परफॉर्मेंस है वो भी सफर हो सकती है। This was all about this chapter and